ये बता देते हैं भाईजान, ये कोई देते हैं, कोई बत्ता नहीं देते भाईजान, कोई बत्ता दुख हुआ लेकिन मुझे पता मजबूरी होता है। सही बात, दिल तो करता होगा पढ़ने को। हां जी, ये थैला कितने का बेचते हो? मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। चकवाल चप्पर बाजार की यह चौथी किस्त है। उम्मीद है तुसा पहलिया त्रै किस्तां भी जरूर देखिया, उसने अगर नहीं देखिया तो तुसा बहुत कुछ मिस किया। चकवाल चप्पर बाजार या कोई भी इस किस्म का बाजार बहुत ही खूबसूरत होना वै। अगर तुसा सारिया किस्तां देख सो तो तुसा की पता चल सी ये वाला बाजार क्यों इतना मशहूर है। इसका क्या रेट है? इसका 1400 रुपए की आधा किलो है। 1400 रुपए की आधा किलो है। एक नंबर इसका भी बड़ा थोड़ा जनरेटर के मुंह वाले का। क्या है भाई? ये थैला कितने का बेचते हो? 10 रुपए का। और लेते कितने का हो? 5 5 5 5। ओ दो कह रहे जी, पानी कह रहे हैं और तेज है यार भी। सही तो पाँच पाँच के लिए ठीक है। तो दिन दिन में कितने थैले बेच देते हो? 300 थैले? नहीं 300 तो नहीं हो सकता। नहीं 30 दाने बेचते हैं। 30 दाने कितने कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 10। मेरी भी 10। तुम्हारी? 9 9। नाम क्या है? बिलाल है? बिलाल बिलाल अहमद अहमद जावेद जावेद बिलाल अहमद जावेद। भाई हो आपस में? नहीं हम मैं भाई नहीं है। अच्छा अच्छा, रोजाना यहाँ पे 7 दिन काम करते हैं? टमाटर हर रोज। हर रोज 5 बजे तक। तो कितने बजे शुरू करते हो? 8 बजे। अच्छा अच्छा, तो दिन में कितने हो जाते हैं? 600 700। अच्छी बात है भाई, काम करते हैं। स्कूल जाते हो? नहीं नहीं, बटार स्कूल नहीं जाता। ये बीमारी है ना, तो बाजे काम करते हैं। गर्मी में आप आम आम जी और आलू बुखारे खुरबानी अब अमरूद और सेब। बल्दिया वाले आपको भी उठा के फेंक देते हैं? जी बल्दिया वाले हमें नहीं उठाते, वो जो जिनके पास पर्ची नहीं है ना बल्दिया की उन्हें उठाते हैं। ये बत्ता देते हैं भाईजान? ये कोई देते हैं? कोई बत्ता नहीं देते भाईजान, कोई बल्दिया बत्ता नहीं देते। पर्ची के लिए पर्ची के लिए क्या करना पड़ता है यार? भाईजान पर्ची के लिए वो जो पहले पाकिस्तान बना था ना, जब उन्होंने बल्दिया ने बिठाए थे, उन्होंने एक बाजारी की पर्ची दी थी, वो पर्ची हमारे पास मौजूद है। वो उनका किराया होता था, वो किराया अदा करते थे, अब वो किराया ख़त्म हुआ हुआ है, उस किराए के तहत हम बैठे हुए हैं। बीच में लाल भी है सफ़ेद भी है। तो आपकी सेल कितनी हो जाती है दिन की? सेल 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये सेल है। 3-4 5 हज़ार? नहीं मैं मतलब प्रॉफिट या प्रॉफिट जो है ना उसमें 700-800 इतना प्रॉफिट होता है सेल 4-5 हज़ार। अच्छा अच्छा, 3-4 सौ प्रॉफिट है।
काट देना बस पर टैक्स टैक्स वैसे काट देना टैक्स क्या मसला इसका 3-4 हज़ार नहीं वैसे 7-8 सौ रुपए मेहरबानी यार बड़ी कोई बात नहीं क्या नाम है मोहम्मद उमर मोहम्मद उमर गोभी के फूल जी अच्छा फूल चलती है गोभी बहुत चलती है खाते हैं लोग जी खाते हैं क्या रेट है आजकल गोभी का 1 30 का है 2 50 के 1 20 रुपए का बहुत छोटे वाले 1 20 रुपए का 2 50 के 1 30 मेरे अंदाजे से काफी सस्ती है यार हाँ जी इधर सस्ती है तो क्या बात है जी सस्ती है ये पाकिस्तान ये कहाँ उगती है ये चकवाल में तो ये आपकी कितनी सेल हो जाती है दिन में ये 200 रुपए का जोड़ा लाए नहीं टोटल टोटल क्या है 600 बनती है पूरा सब खर्चा करके हाँ जी 5-6 रुपए बजट कितने बजे तक थे हो 8 बजे तक इधर हाँ जी 8 बजे तक 7 बजे सुबह 6 से 8 या हाँ जी 6 से 7-8 कितनी उम्र है 15-16 साल कब से कर रहे हो ये छोड़ दिया था 4वीं में छोड़ा स्कूल नहीं ये काम कब से 4 महीने से कर रहे हो हाँ जी स्कूल छोड़ दिया हाँ जी अच्छा दुख हुआ लेकिन मुझे पता मजबूरी होती है जी सही है दिल तो करता होगा पढ़ने को हाँ जी कितनी जमात पढ़ते थे चौथी में छोड़ा जी चलो ठीक है शुक्रिया इधर कैमरा फेरो ना इधर कैमरा फेरो जी इधर चार प्लेट इंटरव्यू दे वाला बच्चा जी दे दिया भाई इंटरव्यू हो गया ये क्या कह रहे हैं वो कितनी बेचनी है नहीं ये लाइव चल रही है यार मैं उम्मीद करना सा कि वीडियो पसंद आया उसी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भुले लाइक करना ना भुले तो बेल आइकन की जरूर दबाओ अगर तुम चाहे हो कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करा तो उसकी फौरन नोटिफिकेशन मिले फिर मैं कह रहा कि मेरी पहलियाँ त्रै किस्तां देखना ना भुले बड़े मज़ेदार किस्तां नो तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं दोबारा नई किस्त चकवाल चप्पा बाजारनी अपलोड कर सकता अल्लाह हाफिज यार इंटरव्यू पूरा करवाना ऐसे तो नहीं ना मजा आएगा ये छोले खाएंगे बस गंडेरिया मैं पहली बार देखा गंडेरिया यानी कि सर्दियों में गर्मिया भी होनिया ने किस तरह किलो है ये 50 रुपए किलो है 100 की 2 किलो है 100 की 2 किलो है लेफ्ट चेरी करो लेफ्ट हाँ जी सर्दियों में सर्दियों में चलनी है गंडेरिया अच्छा ठंडी चीज है ना अच्छा